गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ, वेलकम बैक आपका मेरे चैनल ब्रो अपना इन्फ्लुएंसर पे, जहां मैं आपको मूवी से रिलेटेड अपडेट्स में देता रहता हूँ। क्या नॉर्थ सिनेमा और क्या साउथ सिनेमा, जी हाँ, अब बॉलीवुड सिनेमा इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाने लगेगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जहाँ पर एटली के डायरेक्शन में शाहरुख खान की जवान मूवी ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स तो ब्रेक कर दिए, वहीं अब जवान मूवी के बाद रणवीर कपूर की जो एनिमल मूवी आने वाली है, उसने बॉलीवुड के दरवाजे पे जो दस्तक दे करके जो मोहर लगाई है ना रिकॉर्ड्स ब्रेक की, बाय गॉड, उसे अब तोड़ पाना शायद नामुमकिन सा हो जाएगा। संदीप रेड्डी वांगा ये वो चुनिंदा डायरेक्टरों में से एक है जिसने कबीर सिंह जैसी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर मूवी का डायरेक्शन कर लोगों के होश तक उड़ा दिए थे, वहीं अब ये बंदा एनिमल मूवी का डायरेक्शन कर शायद पब्लिक को ये बताने आ रहा है कि यार आर रेटेड और वॉयलेंट मूवी किसे कहते हैं, और इसका अंदाजा आप एनिमल मूवी के प्री टीजर के 50 सेकंड के उस वीडियो क्लिप से पता लगा सकते हैं। पंजाबी सॉन्ग का तो हर कोई दीवाना है, जी हाँ, इन गानों को सुन कर करके तो मेरा मन भी थिरकने को बहुत करता है, लेकिन यार जब से मैंने एनिमल मूवी के प्री टीजर को जब से देखा है तो यार अब ये मालूम हो चला है कि यार गानों के बीट्स पर लोगों की वाट भी लगाई जा सकती है। जहाँ हमारे रणवीर कपूर जो है वो पूरे पंजाबी ट्रेडिशन में यानी धोती कुर्ते में पूरी गैंगस्टर की आर्मी से निहत्त एक छोटे से कॉरिडोर में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्री टीजर के अंदर। जहाँ अगर आपने गौर किया है इस प्री टीजर में, रणवीर कपूर की आंखों से साफ पता चल रहा है कि यार बंदे की शुरुआती लाइफ काफ़ी सीधी रही होगी, लेकिन यार उसकी लाइफ में कुछ ऐसा मोड आया होगा जहाँ उसे एक जानवर बनने पर मजबूर कर दिया होगा। तो यार सोचो कि यार जब इसका 2.5 मिनट का आर रेटेड, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 2.5 मिनट का जब इसका ट्रेलर आएगा तो सोचो क्या क्या बवाल मचाएगा। वहीं अगर इस मूवी के कुछ अपडेट्स की अगर बात करें तो यार इस मूवी की लीड एक्ट्रेस के रूप में और कोई नहीं, पुष्पा मूवी की रश्मिका मंदाना होने वाली है, जी हाँ। और वहीं अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने जवान मूवी के अंदर एक बाप बेटे की केमिस्ट्री तो देखी होगी सही, जहां पर एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए आता है और डायलॉग जो मारता है ना कि यार बेटे को छोड़ और बाप से पंगा ले, वैसा ही कुछ आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां पर बाप के रूप में अनिल कपूर और बेटे के रूप में रणवीर कपूर की केमिस्ट्री काफ़ी धांसू होने वाली है, जहां पर पूरी फैमिली ही शायद गैंगस्टर से भरी हुई होगी। और वहीं अगर एक और अपडेट की अगर हम बात करें तो इस मूवी के लीड जो मेन विलन होने वाले हैं वो और कोई नहीं, आश्रम सीरीज के बाबा जी यानी हमारे बॉबी देओल जी होने वाले हैं, जिन्होंने शायद इस मूवी के लिए पर्टिकुलर इस मूवी के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। दैट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही कुछ अच्छे अपडेट्स और आपको मूवी से रिलेटेड कुछ नई नई खबरें आपको बताता मैं चलूँ।